नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बंदीराय क्षेत्र के बीही निदुरा में मेनका संजय गांधी ने अमृत सरोवर पर पौधरोपण कर धरती को हरा भरा रखने का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धरती हमारी माता है, इसको हरा भरा रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बीही प्रधान शिवपाल पासी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी का सम्मान करना होगा, हमको अपनी समृद्धि व विरासत पर गर्व करना होगा, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना होगा। उन्होंने ग्रामीण जनता को जागरूक करते हुए कहा कि देश की मिट्टी ही हमारी भारत माता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उन्हें दूषित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, मिट्टी मेरी देवी की तरह है, हमको आशीर्वाद देती है और हमारी रक्षा करती है। देश की मिट्टी की पूजा करें, पूजा करने का मतलब पेड़ लगाएं, उसमें केमिकल का प्रयोग व प्रदूषित ना करें। उन्होंने कहा, देश के सभी गांवों की मिट्टी को अमृत कलश में ले जाकर नई दिल्ली में शहीदों की याद में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक देशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा कि वह जब भी दिल्ली जाएगा तो वह यह कह सकेगा कि उसके गांव व घर की मिट्टी का प्रयोग स्मृति वाटिका में किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बंदीराय तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भी हुई शामिल। फरियादियों की समस्या निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिया निर्देश। आशा बहुओं के पोषण रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोटे अनाज मेले में भी शामिल हुए। इस मौके पर यूपी जिलाधिकारी विदुषी सिंह, बीडीओ सत्यनारायण सिंह, सीओ रमेश, थाना अध्यक्ष अमरेन बहादुर सिंह, मोहम्मद हलीम प्रधान, विजय पवन कुमार चौधरी, अजीत वर्मा, विजय सिंह, पंकज कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रहरी व तमाम भाजपा नेता और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।